स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिमन्यु अब फाइनली एक हो चुके हैं। अबीरा फैंस के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि इसी पल का अबीरा फैंस बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। अक्षरा की याद में अभिमन्यु का बहुत बुरा हाल है। वो चाहकर भी अक्षरा को बिल्कुल भूल नहीं पा रहा। वो अक्षरा के बारे में सोचता ही रहता है कि उतने में अक्षरा वहाँ आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। अभिमन्यु से वो कहती है, तुम अंधेरे में क्यों जा रहे हो, उजाले से ही तो ज़िंदगी होती है, तो फिर अंधेरे में जाने का क्या मतलब है। तब अभिमन्यु उसके जवाब में कहता है, जब से तुम गई हो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा है, और अगर मैं अंधेरे में ज़्यादा दिन रहूँगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो, तो फिर क्यों तुम मेरे पास वापस नहीं आ जाती, प्लीज़ कम बैक सून। ऐसा ही कुछ अभिमन्यु अक्षरा से कहता है। अक्षरा उसे फिर भी समझाने की कोशिश करती है, इतने अंधेरे में रहोगे तो तुम ज़िंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। अभिमन्यु कहता है, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बढ़ नहीं पाऊँगा, ये मैं जानता हूँ। जब तक तुम मेरे पास थी तब तक मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा था, मेरी लाइफ में उजाला ही उजाला था, लेकिन जब से तुम गई हो तब से मेरी लाइफ में सिर्फ अंधेरा है, और मुझे इस अंधेरे में जीने की आदत हो गई है, लेकिन ये आदत बहुत लंबी नहीं चलेगी, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि अंधेरे में रह रह के एक दिन मैं अपना दम तोड़ लूँगा। अक्षरा अभिमन्यु की बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। वो भी जानती है कि अभिमन्यु से वो आज भी कितना प्यार करती है, लेकिन ये बात भी सच है कि अक्षरा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, उसने अभिमन्यु के बिना जीना सीख लिया है। लेकिन अभिमन्यु वो अक्षरा को आज भी बिल्कुल भूल नहीं पाया, और इससे ज़्यादा बड़ी बात ये कि वो ज़िंदगी में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहा है। भले ही परिस्थितियों के चलते उसने आरोही से शादी के लिए हाँ कह दी है, भले ही आरोही और उसका रोका हो चुका है और सगाई भी बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन बात अगर शादी की हो तो शादी अभिमन्यु की आरोही से नहीं होगी। अभिमन्यु और अक्षरा फिर से एक हो जाएंगे, ऐसा तो हमें बहुत पहले से पता था, लेकिन अब स्टोरी लाइन के हिसाब से ऐसा होते नज़र आ रहा है, क्योंकि बार बार उदयपुर में अक्षरा और अभिमन्यु का फिर से मिलना, उदयपुर में अक्षरा का बार बार किसी कारणवश रुक जाना, ये सब इसी चीज़ की तरफ संकेत कर रहा है कि ये दोनों अब अलग नहीं होंगे। अब अक्षरा वापस कसौली कभी नहीं लौट पाएगी, और अब तो आने वाले एपिसोड में अभिमन्यु का मेजर एक्सीडेंट भी होने वाला है, जिसमें अक्षरा ही अपने अभिमन्यु का ध्यान रखती नजर आएगी। अब इसके बाद कहानी किस तरफ मोड़ लेगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्या अक्षरा भी अभिनव को भुलाकर अभिमन्यु के पास चली जाएगी अपने नन्हे अबीर के साथ, या फिर अभिमन्यु आरोही से सच में शादी कर लेगा, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि सीरियल की हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे।